हेलो फ्रेंड्स, दिस इज रोहित दांगड़ी, योर होस्ट एंड दोस्त। आप सभी का फिर से एक बार मेरे YouTube चैनल स्पोकन मास्टर पर स्वागत है। तो आज फिर से हाजिर हूं मैं अपना एक नया टॉपिक लेकर, और आज का टॉपिक बहुत 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 ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज के टॉपिक में हम यह सीखेंगे कि किसी को, व्यक्ति को राय, सलाह, सुझाव, एडवाइस यह सब कैसे देते हैं। इंग्लिश में यह एक बहुत इंपॉर्टेंट तरीका है, और यूँ कहें कि बहुत ही आसान तरीका है। अगर आप ये सीख गए तो समझे कि आप आधी इंग्लिश सीख गए, क्योंकि आधी इंग्लिश इसी पे डिपेंड करती है। तो चलिए हम सीखते हैं आज इंपरेटिव सेंटेंस। अगर अभी तक आपने हमारा स्पोकन मास्टर यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, और साइड में आए घंटी के निशान को जरूर दबाइए, जिससे हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल टाइम पर मिल जाए। इन सेंटेंस को इंपरेटिव सेंटेंस कहा जाता है, जिनसे हम किसी व्यक्ति को आदेश, सजा, सुलह मतलब सुझाव देते हैं। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में जैसे हम देखते हैं इंपरेटिव सेंटेंस। तो इंपरेटिव सेंटेंस के द्वारा हम किसी व्यक्ति को सलाह सुझाव व काम बताते हैं। तो चलिए स्ट्रक्चर पहले देख लेते हैं। तो स्ट्रक्चर में हमारे पास है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो ये वर्ब क्या चीज़ होती है, सबसे पहले तो हम इस पर बात करते हैं। जैसे नहाना, खाना, खेलना, कूदना, जाना, आना, ये सब जो क्रियाएं होती है, जो काम किसी मनुष्य के द्वारा किया जाता है, तो ये सब क्या होते हैं, क्रियाएं। तो इनके फॉर्म होते हैं, इनके जो फॉर्म होते हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, इनके जो वो फॉर्म होते हैं वो उनमें से एक है ये फर्स्ट फॉर्म। जैसे गो, वेन, गो, कम, पास, फॉल, स्विम, रन, वॉक, गो, ये सब एक तरह से वर्ब है। तो वर्ब इंग्लिश में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वर्ब के चार्ट दिए हुए हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उन चार्ट को देख सकते हैं। तो चलिए हम पहले एग्जांपल्स के माध्यम से इस वीडियो को समझते हैं। चलिए आते हैं एग्जांपल्स की ओर। तो हमारा पहला एग्जांपल है खाना खाओ। तो खाना जो खाओ, तो खाने के लिए वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा, तो खाने के लिए हम यूज़ करते हैं ईट, और ऑब्जेक्ट में आएगा खाना खाओ, तो ईट फूड। ये हमारा एग्जाम्पल हो गया कि ईट फूड। इसी तरह से आप कहीं और एग्जाम्पल्स बोल सकते हैं। जैसे किसी, कोई लड़का अगर यहाँ काम कर रहा है तो आपको उसे वहाँ भेजना है, तो आप कहेंगे उधर जाओ, तो आप उसे क्या कहेंगे, गो देयर। अगर आप सपोज़ आप कहीं होटल में गए और आप उसे कह रहे हैं कि कोल्ड ड्रिंक लाओ, तो आप उसे कहेंगे ब्रिंग कोल्ड ड्रिंक। इसी तरह से कुछ और एग्जांपल्स मैंने आपके लिए स्क्रीन पर लिखे हैं। तो चलिए उन एग्जांपल्स की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए हमने कुछ एग्जांपल्स आपके स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। पहला एग्जांपल है अपना नाम बताओ। तो अपना नाम बताओ, ये हम उसे क्या कर रहे हैं, एक आदेश दे रहे हैं कि अपना नाम बताओ। तो वो इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन होगा टेल योर नेम। अगला मोबाइल ढूंढो, हम उसे काम बता रहे कि मोबाइल ढूंढो, हम उन्हें काम बता रहे कि मोबाइल ढूंढो, सर्च द मोबाइल। अगला एग्जांपल उन्हें बुलाओ, हम जो कोई व्यक्ति हमारे साथ है उसे हम आदेश दे रहे कि उन्हें बुलाओ। अगर जैसे सपोज आप किसी ग्राउंड में हैं और अगर आपको क्रिकेट खेलने की इच्छा हो रही है, तो आपका दोस्त बैठा हुआ है साइड में और आपके बहुत सारे दोस्त आगे हैं, तो आप उन्हें क्या कहेंगे, क्रिकेट खेलने के लिए सबको बुलाएंगे, तो आप उससे कहेंगे कि उन्हें बुलाओ। तो आप उससे कहेंगे कि उन्हें बुलाओ, तो आप उससे कहेंगे कि कॉल देम, उन्हें बुलाओ, कॉल देम। अगला टेबल साफ करो, अगर सपोज कीजिए आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, तो आप वहाँ वेटर को कहेंगे भाई टेबल साफ कर, तो इसे कहेंगे क्लियर द टेबल। ठीक, अरे दाल। तो इसी तरह की अंग्रेजी सिखाने के लिए मैं वीडियो बनाती रहता हूँ। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।